हेलो एवरीवन, वेलकम चंद्रा की रसोई। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। ओ, आज मैं बना रही थी लंच में करी चावल, तो सोचा क्यों ना इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर की जाए। फटाफट से लगाया मैंने सेटअप और शुरू कर दिया मैंने शूट करना। चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। उससे पहले करना पड़ेगा आपको चंद्रा की रसोई को लाइक शेयर सब्सक्राइब, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। तो यहाँ ले लिया है मैंने बेसन पकौड़ियों के लिए। अब पहले पकौड़ियों की तैयारी कर लेंगे। में डालेंगे हम 1/4 टेबल स्पून हल्दी, 1/4 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/4 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर और सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। फिर डाल देंगे इसमें हम करीब 2 बड़े चम्मच दही। दही से आपके पकौड़ी में बहुत सॉफ्टनेस आती है। अभी पकौड़ियाँ बनाती हूँ तो उसमें मैं दही का यूज़ ज़रूर करती हूँ। फिर थोड़ा थोड़ा पानी करके हम इसका स्मूथ बैटर बना लेंगे पकौड़ियों का। ये देखिए, अच्छे से हम इसे चलाएँगे ताकि कोई लम्ब्स ना रह जाए। पकौड़ियों में लम्स रह जाएगा तो वो खाने में अच्छी नहीं लगेंगी बिल्कुल भी। तो यह हमारा फाइन बैटर हो गया है रेडी पकौड़ियों का। अब हम इसके फटाफट से पकौड़ियाँ रेडी कर लेंगे। यहाँ मैंने कढ़ाई में तेल गर्म होने को रख दिया था और ये एक एक करके मैं पकौड़ियाँ डाल रही हूँ इसमें। मैं छोटी छोटी पकौड़ियाँ ही बनाती हूँ। मैंने इसमें छोटी छोटी पकौड़ियाँ डाल दी हैं। मुझे पर्सनली कढ़ी चावल बहुत ज़्यादा पसंद है। हफ्ते में एक बार तो मैं कढ़ी चावल ज़रूर बनाती हूँ। पकौड़ियों में आप चाहें तो प्याज का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं सादी पकौड़ियाँ ही बनाती हूँ। मेरे घर में भी सबको ना कढ़ी में सादी पकौड़ियाँ ही पसंद आती हैं, तो इस वजह से मैं अधिकतर सादी पकौड़ियाँ ही बनाती हूँ। तो ये हमारी पकौड़ियाँ हो गई हैं रेडी। इसे फटाफट से प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और जो बाकी पकौड़ियाँ थी वो भी मैंने इस तरीके से बनाकर तैयार कर ली हैं। अब चलते हैं बनाने के प्रोसेस में। मैंने वही बर्तन लिया है जिसमें मैंने पकौड़ी के लिए बैटर रेडी किया था। हम लेंगे करीब 2 से 3 चम्मच बेसन, ऐड कर देंगे करीब 1 पैकेट दही, 250 ग्राम दही। फिर उसमें ऐड कर देंगे हल्दी, फिर लाल मिर्च पाउडर, मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, 1 चम्मच धनिया पाउडर और सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। अब इन सभी चीज़ों को हम आपस में पहले अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे कि जो हमने इन्ग्रीडियंट लिए हैं वो अच्छे से आपस में मिक्स हो जाएं। चीज़ें जब आपस में मिक्स हो जाएंगे तो उसमें हम डाल देंगे ढेर सारा पानी मतलब 1 से 1.5 गिलास पानी। तो अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि कोई लम्स ना रह जाए बेसन का। हमारा कढ़ी बटर हो गया है रेडी। चलिए इसका छौंका लगाते हैं। छौंका लगाने के लिए मैंने कढ़ाई गर्म किया है और उसमें डाल दिया है मैंने 2 सूखी लाल मिर्च, साथ में डालेंगे मेथी और डालेंगे ज़ीरा, साथ में डालेंगे हींग। हींग कढ़ी के टेस्ट को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर देता है, तो हींग का यूज़ तो मैं ज़रूर करती हूँ। अभी सूखे मसालों को अच्छे से तड़कने के बाद हम इसमें डाल देंगे अपने कढ़ी का बैटर और उसे अच्छे से चला देंगे। पानी कम लगे तो आप इसमें और पानी ऐड कर सकते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग कि आपको पतला कढ़ी चाहिए या थोड़ा सा गाढ़ा। देखिए इसमें बॉयल आने लगा है, इट मीन्स हमारी कढ़ी पकना शुरू हो गई है, क्योंकि हमने इसमें इतना पानी डाला होता है ना, पानी का भी पकना ज़रूरी होता है। मुझे थोड़ी गाढ़ी कढ़ी पसंद है, ऐसे थोड़ा सा और पकाऊंगी। आपके यहाँ भी कढ़ी ऐसी बनती है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर डिफरेंट तरीके से बनती है तो भी बताइएगा कि आपके यहाँ कैसी बनती है, क्या क्या चीज़ें आप यूज़ करते हो। मेरी तरह बना लेना, मैं आपकी तरह बना लूँगी। अपने एक्सपीरियंसेस ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये देखिए कढ़ी में अच्छे से बॉयल आ चुका है, ये हो गई है। अब इसमें हम डाल देंगे पकौड़ियाँ। पकौड़ी डालने के बाद भी हम इसे 5 से 7 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि जो ये हमारी कढ़ी है वो पकौड़ियों में अच्छी तरीके से जाए, ताकि वो भी हमारी पकौड़ियाँ भी जूसी बन जाएँ। तो ये हमारी कढ़ी ऑलमोस्ट रेडी। कुछ लोग जब कढ़ी बनाते हैं ना तो उसमें करी पत्ते का भी छौंक देते हैं, पर मेरे यहाँ आधे लोगों को करी पत्ते वाली पसंद आती है और आधे लोगों को बिना करी पत्ते वाली करती हूँ ना, बिना करी पत्ते के छौंक देते हैं। और ये करी को निकाल कर मैं उसमें पत्ते का छौंक लगा देती हूँ। तो ये हमारी हो गई है कढ़ी बिल्कुल रेडी। मैं इसमें से आधी कढ़ी को निकाल कर उस करी पत्ते का तड़का दूंगी। सबका ध्यान रखना पड़ता है भाई। तो तड़के के लिए यहाँ लिया है मैंने एक पैन, उसमें डाल देंगे 2 चम्मच घी। गर्म हो जाएगा तो उसमें हम डाल देंगे हींग, 1 सूखी मिर्च और उसके बाद डाल देंगे उसमें करी पत्ता। जब अच्छे से चटक जाएंगे सारी चीज़ें तो गैस टर्न ऑफ करके हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर, उसके बाद दे देंगे हम इसे तड़का। ये लीजिए, दोनों तरीके से बन गई हमारी ये बढ़िया सी करी। अब इसे आप चावल के साथ खाइए, रोटी के साथ, वो आपकी चॉइस है। मुझे पर्सनली चावल के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।